नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज 22 स्कोप में आप सबों का स्वागत है। चिराग पासवान को उनकी माताजी को गाली देने की बात जब से चर्चा में आई तब से बिहार की सियासत तेज हो गई है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सभा में इस तरह की बातें सामने आई है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है बिहार का और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम टीवी स्क्रीन पे भी उस रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस तरह की बातें सामने आई है। उसके बाद से लगातार कहा जा सकता है कि चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है और चुनाव आयोग तक भी इस बात की शिकायत पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है और अब देखने वाली ये होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या माफी मांगी जाती है या फिर इस मामले को लेकर यूं ही सियासत होती हुई दिखाई देगी। कई सवाल सामने हैं जिन्हें लेकर चर्चा चल रही है और इसे लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में अब तेजस्वी यादव पर हमले का एक हथियार भी सभी को मिल गया है और इसे लेकर लगातार जमकर सियासत भी हो रही है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से ये मुद्दा सामने आया है कि चिराग पासवान की माता जी को अपशब्द कहे गए, उसके बाद से सियासत तेज हो गई है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए ये जो पूरा मामला है, दरअसल में कल चूँकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था तो कल तेजस्वी यादव जमुई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा के दौरान जो वीडियो जारी किया गया है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, उसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक युवक है जो गाली दे रहा है, चिराग पासवान को मां लगा करके गाली दे रहा है और विजय प्रकाश यादव मंच पर हैं जो कि उस युवक को शांत रहने की नसीहत उनको दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई भाषण चल रहा है तेजस्वी का और आप लोग इस तरीके से गाली नहीं दीजिए। लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे उदय जी, तो तेजस्वी यादव ने वाकई उस गाली को नहीं सुना है, चूँकि तेजस्वी यादव लगातार स्पीच दे रहे हैं, भारी भीड़ है और उस भीड़ में से मंच के पास आ करके कोई आदमी गाली दे रहा है। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान जो है वो विधिवत काफ़ी भावुक होकर के उन्होंने बाइट दिया और यह कहा कि किसी भी बेटे के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है कि अगर उसको माँ लगा करके उसकी माँ को गाली दी जाए, वो भी सार्वजनिक तौर पर। तो और इसके बाद चिराग पासवान की जो पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने विधिवत ECI को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में RJD पर और खास करके तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग भी की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि चिराग पासवान उनके बड़े भाई तुल्य हैं और वो कभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अब गाली को लेकर के, हालांकि गाली किसने दिया अब इसका चेहरा सामने नहीं आ रहा है, सार्वजनिक सभा में गाली दी गई है, लेकिन उसको लेकर के बिहार में सियासत काफ़ी तेज हो गई है। और देखिए कि BJP के सम्राट चौधरी ने कहा है कि बक्सेंगे नहीं हम। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया और यह कहा कि RJD की यह संस्कृति ही रही है कि गाली गलौज, मार पीट, हो हंगामा, इसी से RJD पार्टी जो है वो चलती है। और जिस तरीके से गाली दिया गया है वो और तेजस्वी यादव ने कैसे उसको बर्दाश्त कर लिया, तो तेजस्वी यादव को बक्सा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। वहीं तेजस्वी यादव अपनी सफाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको पता नहीं है, वो भी जब वीडियो देखे हैं तब उनको जानकारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी एक महिला प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के इलेक्शन कमीशन से मिल करके एक मेमोरेंडम दी है और यह उस मेमोरेंडम में कहा गया है कि भाई किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है महिलाओं के लिए किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी भी जो है वो एक मेमोरेंडम दी है। हालांकि चिराग पासवान अभी फिलहाल दिल्ली में है, वो दिल्ली से कल लौटेंगे, उसके बाद फिर इस मामले को लेकर के सियासत और ज़्यादा तेज होगी। लेकिन राजनीति में भाषा जो है वो किस तरीके से अपनी सीमा को लांघता है, किस तरीके से अमर्यादित भाषाएं बोली जाती हैं, किस तरीके से टीका टिप्पणी की जाती है, कोई नई बात नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बार जो ये गाली वाली जो बातें सामने आई हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से ये बता रहा है कि वाकई में चुनाव में जो है वो कुछ भी संभव है। बिल्कुल, और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो ही गया है और चुनाव आयोग तक बात चली गई है, तो चुनाव आयोग अब इस पर क्या नोटिस जारी करता है या क्या करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। राजीव जी, नहीं देखिए उदय जी, चुनाव आयोग चूंकि इसमें किसी नेता के द्वारा गाली नहीं दी गई है, इस चीज़ को समझना होगा। अब कोई भीड़ में है और भीड़ में तो लाखों लोग रहते हैं, उसमें से कोई अगर गाली दे रहा है, आप देखेंगे कि कई बार इस तरह की भी घटनाएं हुई। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे तो भीड़ में से वो रोड शो कर रहे थे, भीड़ में से एक व्यक्ति उठ करके जा करके एक थप्पड़ लगा देता है, कहीं जूता उठा करके फेंक दिया जाता है, कहीं काले कपड़े दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली ये भीड़ की तरफ से किया गया है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव की कोई सहमति होगी, क्योंकि कोई भी जो नेता है वो यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो पैरेलल कोई नेता है, उनके जो समकक्ष कोई नेता है, उसको कोई गाली दे, उनका कार्यकर्ता, वो भी माँ बहन की गाली दे। चूँकि जिस तरीके से गाली दी गई है वो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज जो है वो कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, या फिर कोई भी जो
एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, ये उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको लेकर के बिहार में अब सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है। आज सुबह सुबह जब सम्राट चौधरी यहाँ से निकल रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने बाइट दिया और यह कहा कि भाई तेजस्वी यादव को जवाब दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव को किस तरीके से टारगेट करना है ये चीज़ पता है बीजेपी को भी, चिराग को भी पता है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी यह पता है कि किस तरीके से डिफेंड करना है खुद को। तो तेजस्वी यादव ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि भाई चिराग की माँ जो है ये उनके लिए भी माँ की तरह है और कोई भी आदमी गाली जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि उनकी तरफ से उनको इस बात की जानकारी जो वो वीडियो से मिली है और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे उदय जी कि किस तरीके से विजय प्रकाश यादव विधिवत उस युवक को मना कर रहे हैं कि आप गाली मत दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो युवक लगातार गाली दे रहा है और लगभग 1.5 मिनट का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और उसके बाद बिहार में इसे लेकर सियासत भी जमकर तेज हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में लगातार सियासत इस बात को लेकर हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के मंच से ऐसा हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात से अनजान थे इसलिए और उन्होंने इस बात को खत्म करने की कोशिश भी की है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।